ये है ब्लैक पिंक और ये है लीसा। जब से ब्लैक पिंक के मेंबर्स ने YG एंटरटेनमेंट को छोड़ने का फैसला किया है, फैंस ध्यान से देख रहे हैं कि उनके सोलो करियर का कोई नया डायरेक्शन क्या है। इनमें से लीसा ने खास तौर पर अपने एक्साइटिंग एम्बिशियस मूव से सबको चौंका दिया है। इवन बिफोर अपने खुद के लेवल लाउड को फरवरी मंथ में ऑफिशियली लॉन्च करने से पहले हमें ये क्लियर था कि लीसा सिर्फ कोरिया पे ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल ऑडियंस पर भी ज्यादा फोकस करेगी। लीसा की पेरिस के मशहूर क्रेजी हॉर्स कैरेबेट शो में उसकी परफॉर्मेंस, बेवरली हिल्स में एक लग्जरी रेसिडेंस खरीदना और PSGN बेनिफिट गाला में हाई प्रोफाइल इवेंट्स में शामिल होना, ये सब चीजें लीसा के वेस्टर्न सेंट्रिक करियर की तरफ पिवट करने के इरादे का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन थी। ये लीसा के अर्ली मूव्स फैन और इंडस्ट्री ऑब्जर्वर को ये सिग्नल देना चाहते थे कि लीसा अब ग्लोबल स्टेज पे एक बड़ा इम्पैक्ट बनाना चाहती है। फरवरी 2024 में लीसा ने ऑफिशियली अपना लेवल लाउड को लॉन्च किया। उसकी प्रमोशनल कैंपेन तुरंत ही नोटिसेबल हो गई, फीचरिंग हर इमेज अपीयरिंग इन मेजर सिटीज इंक्लूडिंग न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, सिंगापुर एंड बैंकॉक। ये लीसा की वाइड रीचिंग कैंपेन उसके इंटरनेशनल मार्केट के लिए कमिटमेंट को और भी एम्फसाइज करती है। इसके बाद लीसा ने कई हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट सिक्योर किए। सबसे नोटेबल था उसका इन्वॉल्वमेंट HBO की एक अक्लेम्ड सीरीज द वाइट लोटस के थर्ड सीजन में। इस शो की शूटिंग थाईलैंड में होने वाली है जो कि लीसा का होम कंट्री भी है, जो उसकी कास्टिंग को एक हालांकि सीरीज के अंदर लीसा का रोल कितना बड़ा होने वाला है और उसका किरदार कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है सीरीज के अंदर ये हमें नहीं पता, लेकिन फैंस उसकी परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन लीसा की सोलो करियर के साथ कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी जुड़ी है। पहला मेजर इशू तब आया जब उसके सिंगल रॉकस्टार का टीजर रिलीज हुआ। कोरियन नेटिजंस ने इस बात को लेकर कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस किया कि अनाउंसमेंट में सिर्फ इंटरनेशनल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक के प्री सेव लिंक्स दिए गए हैं, कोई कोरियन साइट्स का तो जिक्र भी नहीं है। दिस स्पार्क्ड अ डिबेट अबाउट हर डेडिकेशन टू द कोरियन मार्केट, जहां वो इतने साल एक आइडल के रूप में थी। ऑनलाइन कम्युनिटी पर कुछ कॉमेंट्स आए जैसे कि तो वो अपने सॉन्ग्स को स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक पर प्री रिलीज कर रही है, ये मुश्किल होने वाला है मेरे लिए क्योंकि मैं दोनों ही यूज नहीं करती। स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक तो फॉरेन ऐप्स है ना, हम कोरियंस का क्या। लेकिन लीसा की फैन बिजनेस के डिफेंस में और पॉइंट आउट किया कि कोरियन नेटिजंस कितने हिपोक्रिटिकल हैं। जब वो पेरिस की इवेंट में परफॉर्म करने गई थी तब उन्होंने उससे केपॉप छोड़ने और कोरियन इंडस्ट्री से अपना संबंध तोड़ने को कहा था। लेकिन जब लीसा अपनी करियर को एक्सपांड और थोड़ा बड़ा करने का सोच रही है तो कोरियंस लीसा के इस डिसीजन को क्रेजी कह रहे हैं। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि अनाउंसमेंट का मतलब ये नहीं है कि सॉन्ग्स बाकी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं होंगे, ये सिर्फ प्री सेव लिंक्स हैं। तो ये कोरियंस का आउटरीच फेक था। इसके बाद और कंट्रोवर्सीज तब हुई जब रॉकस्टार के नए कॉन्सेप्ट फोटो रिलीज हुए। कुछ फैंस और क्रिटिक्स ने लीसा पर ब्लैक फिशिंग का इल्जाम लगाया। खैर, ब्लैक फिशिंग का मतलब है एक नॉन ब्लैक पर्सन का मेकअप टैनिंग या डिजिटल टूल्स जैसे फिल्टर्स और फोटोशॉप का यूज करके ब्लैक या मिक्स्ड रेस दिखना। ये एक्यूजेशन एक सीरीज ऑफ प्रमोशनल फोटो से आई है जहां पे लीसा पहले से काफी डार्क शेड्स में दिख रही है। उसके सपोर्टर्स ने इसको डिफेंड करते हुए कहा और पॉइंट आउट किया कि उसकी थाई हेरिटेज की वजह से और पहले की फोटोज में उसकी स्किन टोन कंसिस्टेंट रही है और वो बाकी केपॉप आइडल से डार्कर है। उन्होंने ये भी कहा कि इशू लाइटिंग और फोटोग्राफर के स्टाइल चॉइसेस की वजह से हो सकती है। अगर आप फोटोग्राफर के बाकी प्रोजेक्ट्स को देखोगे तो उनमें भी कई सेलिब्रिटीज और आर्टिस्ट डार्कर शेड में ही दिखाए गए हैं। खैर, ये सब छोड़ो, म्यूजिक वीडियो ने एक हाईर प्रोडक्शन वैल्यू और एक फ्रेश एस्थेटिक दिखाया है जो टिपिकल ब्लैकपिंक के वीडियो से अलग था। थाईलैंड के बिजी आर्ट मार्केट में शूट हुआ है और सोचा कि लीसा की टीम ने या फिर लीसा ने इसे कैसे शट डाउन करवाया कंसिडरिंग एरिया बहुत ही बड़ा है। बाद में पता चला कि लीसा की टीम ने हर शॉप ओनर को अर्ली क्लोज करने के लिए $500 से ज्यादा पे किया गया और फिल्मिंग को इतना सीक्रेट रखा कि किसी को भी पता नहीं चला कि लीसा थाईलैंड में है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टोर्स तो मुझे नहीं बताए गए लेकिन ये श्योर है कि नंबर्स काफी बड़ा होगा। इस जेनेरोसिटी को भी नेगेटिव लाइट में लिया गया। कुछ लोगों ने सोचा कि लीसा ने शॉप ओनर्स को ज्यादा पैसे क्यों नहीं दिए, स्पेशली कंसिडरिंग वो कितनी रिच है। एक यूजर ने कमेंट किया ये पैसे काफी नहीं है। दूसरे लोगों ने उसे समझाया, एक्सप्लेन किया कि थाईलैंड में $500 एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है और लीसा का कॉन्ट्रीब्यूशन उसकी मंथली अर्निंग से है क्योंकि ये US नहीं थाईलैंड है और यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी कम है और इस म्यूजिक वीडियो में जो मार्केट इंक्लूड है उससे टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे तो उन शॉप ओनर्स को इनडायरेक्टली भी फायदा होगा। इसमें 3 पॉपुलर ट्रांसजेंडर थाई इन्फ्लुएंसर को भी फीचर किया गया जो इंक्लूसिविटी के लिए प्रेस किया गया। फिर भी सॉन्ग्स को मिस्ड रिव्यूज मिले, क्रिटिक्स ने इसे रेपिटेटिव और बेसिक कहा और कुछ ने तो आर्ग्यू किया कि इसमें डेप्थ और ओरिजिनलिटी की कमी है। रिपीटेटिव कोरस और वेल्थ और इन्फ्लुएंस के लिरिक्स को कुछ लोग बोशलेस और अनरिलेटेबल मानते हैं।
एक पर्टिकुलरली पजलिंग लिरिक सॉन्ग में था लिसा कैन यू टीच मी जैपनीज, जो लिसनर और मुझे भी कंफ्यूज कर रहा था क्योंकि ये लिरिक थोड़ा आउट ऑफ प्लेस लग रहा था और न ही लिसा जैपनीज है। थ्योरीज ये सजेस्ट करती हैं कि ये लाइन एक कमेंट हो सकती है वेस्टर्न के लिए जो एशियंस को स्टीरियोटाइप करते हैं और उन्हें थाई जापानीज कोरियन इंडोनेशियंस में फर्क नहीं पता, या फिर ये थाई लोगों के लिए एक इनसाइड जोक भी हो सकता है। ड्रामा को और बढ़ाते हुए लिसा पर स्टीलिंग के इल्जाम लगाए गए चाइनीज डिजाइनर यू यांग से, जिन्होंने क्लेम किया कि रॉकस्टार म्यूजिक वीडियो में लिसा ने जो स्टार शेप टॉप पहना था वो उनके 2020 डिजाइन से कॉपीड है। यू यांग ने एविडेंस दिए और अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस की कि ये क्लियर केस ऑफ कॉपिंग है। लिसा की टीम ने इस पर अपोलोजाइज किया, बताया कि डिजाइन इसीलिए चूज किया गया क्योंकि ये लिसा की फेवरेट ड्रेस में से एक था, लेकिन आपको परमिशन लेनी चाहिए थी। खैर, और फ्यूचर में ऐसे इश्यूज को प्रिवेंट करने का प्रॉमिस किया। ये वही है जिन्होंने ट्रेविस स्कॉट के फीन म्यूजिक का डायरेक्शन किया है। इन्होंने लिसा के रॉकस्टार म्यूजिक वीडियो पर कॉपिंग का इल्जाम लगाया। मूजेज ने दोनों वीडियोस के बीच सिमिलैरिटीज हाईलाइट की और लिसा की टीम को क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने एलिजली उसके काम को रेफरेंस के रूप में यूज किया बिना किसी प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट के। सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स होती गई जब फॉल्स क्लेम आए कि RCA रिकॉर्ड्स, लिसा का लेबल, ने मूजेज को लीगल एक्शन की धमकी दी। बाद में ये रिवील हुआ कि थ्रेट्स लिसा के फैन बेस से आए थे। आधा काम तो ये फैन बेस ही करते हैं, खैर ना कि लिसा के लेवल से। आखिर में पयालो के एक्यूजेशंस भी उठे जब सोशल मीडिया यूजर्स ने रिपोर्ट किया कि उन्हें लिसा के टिकटॉक अकाउंट से नोटिफिकेशन मिल रही है जबकि वो उन्हें फॉलो भी नहीं करता। ये भी क्लेम्स आई कि उनका म्यूजिक वीडियो यूट्यूब पर पीपल्स एंड ब्लॉक कैटेगरी में कैटराइज किया गया है ना कि म्यूजिक में, और इस वजह से अर्निंग को इन्फ्लेट किया जा रहा है। इन क्लेम्स को जल्द ही डीबंक कर दिया गया क्योंकि फैंस ने नोटिफिकेशन के एल्गोरिथम रीजंस और यूट्यूब के व्यू काउंटिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन किया। आधा काम तो फैन बेस ही कर देते हैं। खैर, इन सब कंट्रोवर्सीज के बावजूद लिसा का सोलो करियर लगता है कि अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में जा रहा है। रॉकस्टार ने बिलबोर्ड हॉट 100 पर नंबर 17 पे डेब्यूट किया जो अब तक का उसका हाईएस्ट चार्टिंग सोलो सिंगल है। ऑनगोइंग सक्सेस और नए प्रोजेक्ट्स के साथ हमें लिसा दिखती रहेगी। बाकी आपका इन सब पे क्या कहना है प्लीज कमेंट कर देना, कि अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।